हमास और इसराइल की लड़ाई में अब ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। खबरों के मुताबिक इसराइल पर अब डबल अटैक हो सकता है। हमास के समर्थन में अब ईरान खुलकर सामने आया है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ यह युद्ध हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। अब ईरान ने इस युद्ध को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खानेमई इसराइल पर हमास के हमले की सराहना की और फिलिस्तीन का समर्थन किया। आयतुल्लाह ने हमास के हमले में तेहरान की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन अब ईरान ने हमास का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि IDF ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही इस ऑपरेशन में हवा, पानी और आसमान तीनों ओर से हमास का खात्मा करने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा लगता है कि इसराइल ने हमास को खत्म करने की ठान ली है, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान की इस युद्ध में एंट्री हुई है उसे देखना यह है कि इसराइल पर क्या असर पड़ता है, क्या इसराइल इस युद्ध को रोकता है या नहीं।